तो बेसिकली आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी कि आप एक्सेल में डेटा लेके आएंगे तो आएंगे कैसे, एक्सेल में डेटा लेके आएंगे तो आएंगे कैसे। तो ये आज की हमारी क्लास है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पे गेट डेटा के अंदर आपको मिलता है फ्रॉम फाइल। गेट डेटा में फ्रॉम फाइल जहां आप अपने डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फाइल से लेके आ सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम वर्कबुक, आपने वर्कबुक पे क्लिक किया और अपनी एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, आ जाएगा। तो एक डेटा से दूसरे डेटा में लिंक होता है, ये सिर्फ आता ही नहीं है, ये लिंक भी होता है, ठीक है। जैसे इस डेटा को सिलेक्ट करके मैंने इम्पोर्ट पे क्लिक किया, इम्पोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप डेटा को सिलेक्ट कर लें और यहाँ मैं लोड कर देता हूँ। लोड करते ही डेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि आ चुका है, ठीक है। इस तरह से डेटा मेरा पड़ा हुआ है किस में, डेटा पड़ा हुआ है एमएस वर्ड में, सॉरी टेक्स्ट में। तो फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ आप चले जाइए अपने टेक्स्ट वाले जहाँ पे आपका टेक्स्ट पड़ा है। अब टेक्स्ट भी दो तरह का होता है, एक कॉमा सेपरेटर होता है, दूसरा टैब सेपरेटर होता है। अब मैं दिखाना चाहूँ कि कॉमा सेपरेटर टैब सेपरेटर होता है क्या है, तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। ये जैसे कि मेरे पास एक डेटा ए है जिसमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो गैप है वो हमारा कॉलन का गैप है, और यहाँ सी एस वी डेटा में देखेंगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो गैप है वो हमारा नंबर जिसमें कॉमा का गैप है। तो दोनों तरीके से डेटा को हम ला सकते हैं। तो मैं पहले डेटा को सिलेक्ट करके इम्पोर्ट करता हूँ। इम्पोर्ट करते ही ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल रीड कर लेगा और डेटा को देखिए टैब से सेपरेट कर दिया। वहाँ ऊपर देख लेते हैं लिमिटर, ये टेक्स्ट कॉलम जैसा होता है, तो टैब से इसको सेपरेट कर दिया। फिर मैं इसको लोड करूँगा तो हमारा लोड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डेटा मेनू बार में आते हैं, गेट डेटा फ्रॉम फाइल। अगर हम मान लीजिए कि कॉमा सेपरेटेड लेते हैं तो एक कॉमा से ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा। अरे देखिए कॉमा सेपरेटेड एंड हमने यहाँ पे इसको लोड कर, ये आपका लोड हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे फाइल पीडीएफ में है, पीडीएफ में। अब पीडीएफ में है तो एक बार देख लीजिएगा आपका पीडीएफ कैसा है, क्योंकि पीडीएफ भी जरूरी है। तो डी ड्राइव में हमारे पास ई ड्राइव में एक 21 वाले फोल्डर में एक हमारे पास पीडीएफ होंगे, 22 के अंदर है डेटा। तो पीडीएफ को लोड करते समय एक छोटा सा दिक्कत रखिए, एक प्रॉब्लम होती है कि आपका देख लीजिए कि पीडीएफ आपका ये तो नहीं है, पीडीएफ जो है आपका स्कैन तो नहीं है। स्कैन होगा तो यहाँ पे आपके डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। दूसरा, ये आपका टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, सारे हेडिंग्स होने चाहिए, तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अब चलिए इसको लोड करके लाते हैं। तो मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दूसरा, अगर यहाँ पे डेटा मान लीजिए कि डेटा है लेकिन कई सारे इसमें है पेजेज में है, लेकिन कई सारे पेजेज में अगर आपका डेटा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रहा डेटा। अब एक कई सारे पेजेज में डेटा है आपके पास, तो कई सारे पेजेज में डेटा हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका एक ही पेज पे सारा कॉलन होना चाहिए पहली। दूसरी, हर पेज का जो हेडिंग है ना वो होना चाहिए,
नहीं तो फिर सही ढंग से वो कैलकुलेट नहीं करेगा, सही ढंग से वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सर आधा ये पेज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। हाँ आधा नहीं होगा, नहीं होगा पूरा एक ही पेज से पूरा कॉलम होना चाहिए ना, अभी तो कंसीडर करेगा वो। ठीक है एक से बोल कीजिएगा। हेलो बोलिए सर। हाँ सैटरडे को, सैटरडे को कॉल कीजिएगा, उस ढूंढना पड़ेगा सर। हाँ तो सैटरडे को कॉल कीजिएगा, मैं ढूंढ लूँगा, छुट्टी पर रहता हूँ, अभी क्लासेस नहीं हूँ सर। तो एक दिन में 16 से 17 वीडियो बनती है ना, ढूंढना पड़ेगा उसमें। सॉरी तो यहाँ हम जाते हैं, यहाँ आपके डेटा फ्रॉम पीडीएफ और यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करते समय लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपका स्कैन कॉपी नहीं होना चाहिए, अगर स्कैन कॉपी होगा तो फिर आपका पीडीएफ में नहीं आएगा, क्योंकि पीडीएफ स्कैन हो गया तो इमेज हो गया और इमेज को कभी रीड नहीं करेगा। ठीक है तो यहाँ पे आपने पेजेस को इसको सिलेक्ट करके एक ही पेज है तो दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। प्रीव्यू में आप देख पा रहे हैं कि इमेज दिखा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा था कि मेरे पीडीएफ में आइकन लगा हुआ था, तो आइकन के कारण क्या हुआ कि एक कॉलम 4 ले लिया, एक वैल्यू को अलग कर दिया, इमेज को अलग कर लिया, लेकिन मुझे तो इमेज नहीं चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए ना। तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना होगा। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे पावर क्यूरी के अंदर। ठीक है पावर क्यूरी, और पावर क्यूरी में जब आ जाइएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कॉलम को करना है रिमूव। मतलब पावर क्वेरी क्या करता है कि डेटा पीडीएफ से लेके आएगा और इसमें आपको माने कि आप इंपोर्ट करने से पहले इसमें कुछ एडिशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और किस कॉलम का नेम जो है वो कर देता हूँ फैट, और फिर यहाँ पे लोड एंड क्लोज, रिजल्ट आपके सामने आ गया। लेकिन जब पीडीएफ हमारे पास कई सारे पेज में होगा तब तो उसको भी करते हैं, दिखाते हैं आपको। फ्रॉम डेटा फ्रॉम पीडीएफ, फ्रॉम पीडीएफ में आ गए और हम इस डेटा वन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट अब यहां पे देखिए तीन पेजेस है तो वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आपको दिख रहे हैं ना सर। तो आपको कोई एक पर्टिकुलर पेज चाहिए तो आप इनलोड कर दीजिए तो हो जाएगा, लेकिन मुझे तीनों पेज कंबाइंड एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे चाहिए। तो ये देखिए टेबल वन पेज 1, 2, 3, इसलिए मैंने बोला था कि हर पेज में हेडिंग होना जरूरी है, अगर हर पेज में हेडिंग नहीं होगा तो फिर वो लोड सही से नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारा लोड हो गया। क्लियर है कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सर इसके इसको सर इसमें हेडिंग तो नहीं था ना? नहीं हेडिंग था ना, हर पेज में हेडिंग था, हर पेज पे तो नीचे नहीं आए क्या वो? देखिए देखिए यहाँ पे पिछले पहले पीडीएफ दिखा दिया था मैंने, ये देखिए पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज है। हाँ लेकिन जब ये किया उसको डाउनलोड किया तब नहीं दिख रहा है ना उसमें। ठीक है अब बात आती है कि मेरे पास एक फोल्डर है, ई ड्राइव नहीं, मेरे पास 222 के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है, इसमें कई सारे फाइल्स है तो नोट पैड की मान लीजिए, एक्सेल भी हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स है, इन फाइल्स का डेटा मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फाइल का डेटा चाहिए तो मतलब फाइल लिस्ट चाहिए, हमें इसके अंदर का डेटा वो भी एक पेज
एक फाइल के अंदर नीचे कोलेटेड चाहिए। तो रीजन यही है कि जितने भी फाइल्स हैं आपके सेम टाइप के डेटा कैरी करते होंगे। अब ऐसा नहीं कि अब एक जनवरी 1 दिसंबर तक टोटल दिया हुआ है और दूसरे में कुछ और हो तीसरे में कुछ और, नहीं, क्योंकि हम कुलेट कर रहे हैं ना, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, तो कुलेट करते समय सारा फाइल सेम होना चाहिए क्या। तो हम आते हैं यहाँ डेटा नहीं हुआ फ्रॉम फाइल के जगह पे हम यूज करेंगे फोल्डर, और फ्रॉम फोल्डर में जाएंगे ई ड्राइव के अंदर 222 के अंदर डेटा और इसको ओपन कर देंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा है, ठीक है। अब आपके सामने जो दिख रहा है ना लिस्ट ऑफ फाइल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लिस्ट ऑफ फाइल। अगर मैंने इसको लोड कर दिया ना तो जैसा डेटा दिख रहा है ना सेम ही आ जाए, इसके अंदर का डेटा नहीं आए। इसका अंदर का डेटा चाहिए तो यहाँ आपको कंबाइन पे क्लिक करना होगा। तो कंबाइन एंड लोड करेंगे तो डायरेक्ट उसको कंबाइन करके लोड कर देगा, कंबाइन एंड ट्रांसफर करेंगे तो इसको कंबाइन करके ले जाएगा पावर क्यूरी पे। तो देखिए अब ये सारे फाइल को रीड कर रहा है वन बाय वन। रीड करने के बाद इसने एक टेबल फॉर्मेट में बनाया, ऊपर फर्स्ट फाइल लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक फाइल सेलेक्ट करना है जिसमें सारे हेडिंग हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी में हेडिंग है और किसी में हेडिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं कि दिक्कत हो, लेकिन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी में अक्टूबर नहीं है तो उसका ब्लैंक रहेगा, तो आपको वो आपने मान लीजिए ऐसी फाइल को सिलेक्ट कर लिया जिसमें अक्टूबर नहीं था, तो किसी भी फाइल का अक्टूबर सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो फाइल आप सिलेक्ट करोगे ना उसी फाइल के जितने भी हेडिंग होंगे उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग सारा का सारा डेटा लोड कर देगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। इसको सिलेक्ट किया तो टाइम लेगा एडिट करने में, और हमने यहां पे कर दिया, और यहाँ पे स्किप एरर कर दीजिए ताकि कोई फाइल में एरर हुआ तो स्किप कर देगा एंड ओके। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कौन सा फाइल कौन सा डेटा किस फाइल का है। कोई बात नहीं, पावर क्वेरी पे आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे सोर्स फाइल नेम भी दिख रहा है, दिख रहा है ना सर। अब आपको नहीं रखना है उसको डिलीट कर दीजिए, रखना है तो कोई बात नहीं, कुछ और चेंजिंग करनी है तो पावर क्वेरी में चेंज कीजिए एंड लोड एंड क्लोज। समझ गए? क्लियर है सर? Yes, ये 2013 में भी है सर? शायद होगा 13 में, नहीं तो 16 में तो पक्का है, 13 का तो याद नहीं क्योंकि तो बहुत टाइम हो गया ये यूज किए हुए। अब हमारे पास 13 तक, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें बताई वो मोस्टली हमारा 16, 19 और 21 में अवेलेबल है, 13 के अंदर भी कुछ चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना। आपके पास ओरिजिनल वर्जन है तो आप अकाउंट में जाके अपडेट कर लीजिएगा ना यहाँ से, तो जो नहीं होगा चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। पायरेटेड है सर, ओरिजिनल तो नहीं है, पायरेटेड वर्जन है। तो पायरेट में तो नहीं कीजिएगा, सही ठीक रहेगा। तो हमने बात हमने जाना कि किसी भी फाइल से एक्सेल पे डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, और ये इंपोर्ट ही नहीं आया है, लिंक भी है पीडीएफ को छोड़ के, बाकी सारा लिंक है। पीडीएफ भी आई थिंक लिंक है कि पीडीएफ चेंज होगा तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा, सीएसवी टेक्स्ट फाइल चेंज होगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, फोल्डर में कोई नई फाइल आएगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, एक्सेल में कोई चीज़ चेंज होगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अच्छा इसके बाद हमने फाइल बना, अब डेटाबेसिस वाली जो बातें हैं बाकी ऑनलाइन सर्विसेज है ये चीजें पे हम बात करेंगे कल, पहले एक बार इसको कर लीजिए, ठीक है सर। उसके बाद हम पावर क्वेरी पे डिस्कस करेंगे सर। उधर एक्सेल में चेंज हो जाएगा तो इसमें